आज 4 अप्रैल 2024, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक, संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। जैसे ही शरीर और मन हल्का हो रहा है, बहुत काल का अभ्यास, अपने आप शरीर से डिटैच हो रहे, संपूर्ण ऊर्जा दो आंखों के बीच एकाग्र हो रही है। महसूस करेंगे एक दिव्य शक्ति, चेतना, शरीर के मालिक, अकाल तख्त नशीन, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, मैं आत्मा, इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ और महान हूँ। परम धाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ज्ञान के सागर, शिव बाबा ने मुझे ज्ञान की शक्ति से भरपूर कर दिया। ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें बाबा ने बुद्धि में ऐसे फिट कर दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में एक भी संकल्प नहीं चलता है। ड्रामा का ज्ञान हर परिस्थिति में विजय दिला रहा है। अगर बीमारी भी आती है तो 21 जन्मों की सुख की भेंट में यहाँ का दुख कुछ भी भासता नहीं है। कर्मों की गुह्य गति समझ में आ रही है कि अगर कोई आत्मा से मुझे दुख मिल रहा है या परिस्थिति में दुख मिल रहा है तो उस दुख को लेना न लेना मेरे हाथ में है, क्योंकि इन परिस्थितियों से ही मेरे सभी पुराने हिसाब किताब चुक्त हो रहे हैं और मैं हल्के होते जा रहे हूँ। सवेरे सवेरे उठकर शरीर से न्यारा होने की ड्रिल से पुरानी दुनिया और पुराना शरीर भूलते जा रहा। मैंने अपना सब कुछ एक बाप के ऊपर न्योछावर कर दिया और ट्रस्टी होकर संभाल रहे हूँ। महसूसता की शक्ति से हर बात में अनुभवी बनते जा रहे हूँ और पुरुषार्थ तीव्र होते जा रहा है। हर एक आत्मा के अनादि एक्यूरेट पार्ट को देखकर नेचुरली दिल से स्नेह की शक्ति इमर्ज हो रही है और सबसे सहयोग और दुआएं प्राप्त करने में मैं सफल हो रही हूँ। बाबा मेरी इस अवस्था को देखकर हर्षित हो रहे हैं, मुझे प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, आपने कल्प कल्प गृहस्थ व्यवहार में रहते ट्रस्टी बनकर अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाप के ऊपर न्योछावर कर दिया। ईश्वरीय ज्ञान की पॉइंट से हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर रहे हो। महसूसता से परिवर्तन करके तीव्र पुरुषार्थी बने हो। सबको मर्यादा में रहते हुए ईश्वरीय स्नेह का दान दे रहे हो।
सहयोग दे रहे हो और कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता हो, इसलिए खुश रहते हो। बाबा की सभी दुआएं और वरदान हमेशा आपके साथ है, आपकी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रहे हो। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।